आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने परिवार सहित ओंकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन लाभ लिए। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर परिवार सहित दर्शन करने आए राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी ने मीडिया से चर्चा में कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र स्थान पर दर्शन का अवसर मिला। पत्रकारों के अनेक प्रश्नों को टालते हुए उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली के बारे में चर्चा की। प्रदेश भर में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर सहित अन्य जिलों में पत्रकारों पर हो रहे हमले और घटनाओं के बारे में कुछ कहने से बचते रहे। पुरासा एसडीएम एसडीओपी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौजूद थे। ललित दुबे, ओंकारेश्वर की रिपोर्ट। जगह ओम पर्वत पर है और जहां आप जानते हैं भगवान शंकर सृजन के संहार के काल के देवता, वह अजर अमर हैं। उनके दर्शन के लिए यहाँ आना, उस पवित्र जगह पर आना जहाँ शंकराचार्य के पांव पड़े, जो हमारे ऋषियों मुनियों की साधना स्थली का केंद्र रहा, मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए सौभाग्य। भाई साहब, प्रदेश सरकार करोड़ रुपए आने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पर्यटन विभाग के माध्यम से खर्चा कर रही है, लेकिन हैंडवर्क विभाग द्वारा हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मैं स्थानीय चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत वर्षों पहले मैं यहाँ आया था और आज जितनी अच्छी व्यवस्था और मैंने देखा उससे यहाँ कितनी प्रगति हुई है ये मुझे जानने का अवसर मिला। तो एक प्रश्न, एक मीडिया के लिए बड़ी जिम्मेदारी है और यह जगह इंदौर के बगल में है जहाँ से राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी और अनेक लोग निकले जिन्होंने देश में पत्रकारिता का दुनिया में एक नाम रोशन किया और राह दिखाई। हम सब लोग उसी रास्ते पर चले। मुझे पत्रकारों पे अभी हमले हो रहे हैं उस संबंध में,